तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम राकेश जी और राजेश जी के साथ डिस्कस करेंगे एक्सेल फॉर्मूला, और एक्सेल फॉर्मूला में हम बात करेंगे टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले में। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ फॉर्मूले की लॉजिकल कैटेगरी में हमने डिस्कस किया था कि एंड इफ इफ एरर इफ एन इफ इफ्स नॉट और स्विच फॉर्मूला क्या होता है, और इस पे हमने करीब लंबी क्लासेस की श्रृंखला ली थी और साथ में हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी किए थे। अब अगली कैटेगरी में हम बात करेंगे टैक्स कैटेगरी के बारे में कि टैक्स कैटेगरी क्या है। देखिए इसमें कुछ नया फॉर्मूला भी है, कुछ पुराने फॉर्मूला भी है। जो नए फॉर्मूले हैं वो सिर्फ आपके लेटेस्ट एक्सेल में ही यूज हो दिखेंगे, बाकी फॉर्मूले नहीं दिखेंगे। तो जो मेन फॉर्मूला है पहले उसको करते हैं, बाद में हम सारे फॉर्मूले को रिकवर करेंगे। सबसे पहले हमारे एक्सेल में दो फॉर्मूले हैं, कोड और कैर। जैसे कि मैंने यहाँ पे करेक्टर ए लिख दिया, अगर आप कोड फॉर्मूला लगाएंगे तो इस ए का एक नंबर आएगा, इसको स्काई वैल्यू कहा जाता है। मतलब कि एक्सेल में हर एक लेटर के लिए एक कोड दिया गया है, चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, जिस कारण से एक्सेल आइडेंटिफाई करता है कि कैप्स में है या स्मॉल में है, कौन सी कैरेक्टर करेक्टर है, इसको स्काई वैल्यू कहते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड नंबर सिस्टम बोला जाता है इसको। हो जाता है इसकी फुल फॉर्म में कुछ गलती किया हो, पर आप सर्च कर लीजिएगा, स्काई वैल्यू इसको बोला जाता है नॉर्मली ए। अब इसकी जो इसमें हमारे पास एक और कैर फॉर्मूला होता है जो कि इस कोड को वापस करेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो दो फॉर्मूला है, एक आप करेक्टर से कोड एंड कोड से करेक्टर में लेके आते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला यूजफुल तो है नहीं। हाँ इंतजार कीजिए, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, लेकिन अकेले फॉर्मूला का कोई रोल नहीं है। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट देते हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं देते हैं, किसी फॉर्मूले के साथ जब मिल जाते हैं तो एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलता है। अब आते हैं अगले फॉर्मूले में, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ लिखते हैं तो हमें स्पेस दे देते हैं, जैसे कि हमने सुजीत लिखा और इसमें हमने बहुत सारे स्पेस देके फिर कुमार लिख दिया, या फिर हम सुजीत लिखने के बाद ऐसे फालतू में स्पेस दे दी। लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे इस सारे स्पेसेस को डिलीट करना है, तो जनरली आप लोग इसके लिए ट्रिम यूज करते होंगे। नहीं यूज करते तो समझा लीजिए ट्रिम फॉर्मूला स्पेस को रिमूव नहीं करता, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अब जैसे कि यहां देखिए कि सुजीत कुमार में एक स्पेस की जरूरत थी तो इसने एक स्पेस छोड़ दिया और बाकी सारे स्पेस को रिमूव कर दिया। बट सर ट्रिम में एक मतलब वो है जो इसके आगे होता है ना उसको रिमूव करता है, जो पीछे होता है ना उसको रिमूव नहीं करता। दोनों को रिमूव करता है, ट्रिम अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। देखिए मैंने लेन फॉर्मर लगाया, इसमें कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और वापस इसमें लगाया तो 6 आ रहा है ना सर। इसका मतलब है कि इसने 10 स्पेस को रिमूव कर दिया ना। जी नहीं मैं कह रहा हूँ सर, सुजीत से पहले ही आप स्पेस लगा के फिर देखिए सर ट्रिम नहीं कर। सुजीत से पहले स्पेस लगा है, मैं रिमूव कर दिया। जी 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 कर दिया जी। तो ट्रिम फॉर्मूला अनवांटेड स्पेस रिमूव करता है, चाहे टेक्स्ट से पहले हो, टेक्स्ट के बाद भी हो, या टेक्स्ट के बीच में। क्लियर है जी। अब कभी क्या होता है, यहीं पे एक छोटा सा सवाल था कि लाइक ये हमारा जो ट्रिम का फॉर्मूला टैक्स में काम करता है, यदि कोई वैल्यू में मतलब हमारा नंबर में वैल्यू हो और वहां स्पेस हो कैसे हटाएंगे सर? आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि अगर आपके सेल के अंदर में स्पेस डला है तो क्या वो टैक्स रहेगा या नंबर रहेगा? नहीं समटाइम्स सर टेक्स रहता है बट स्पेस वहां भी हो जाता है, नंबर्स में भी सर। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने नंबर भी लिखा है और नंबर के अंदर आपने स्पेस दे दिया, इट मींस वो नंबर नहीं रहा, वो टेक्स्ट हो गया। ओके समझे जी। नंबर के साथ कोई भी स्पेशल करेक्टर स्पेस या कोई भी करेक्टर अगर इंक्लूड होता है तो फिर नंबर वो नंबर नहीं टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर ओके आगे बढ़े।
अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रैप टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, रैप टेक्स जो कि इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर किए और यहाँ पे हमने कुमार लिख दिया, राइट। अब जी इसमें जब हम ट्रिम लगाते हैं तो कुछ इस तरह का डेटा दिख तो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहाँ लेन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ लेंथ 12 आ रहा है, बट आप जी मैनुअली काउंट करेंगे तो सुजीत कुमार जो है 6 और 5 पति 11 हो रहा है। ने ये मेरा विंडो ये है 11 है, लेटेस्ट विंडो है। जी अगर आप विंडो एक्सपी में होते तो ये आपको टी और के बीच में एक बॉक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखता, मतलब कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, ऐसे आ करेक्टर जो कि है बट विजुअल नहीं है, मतलब कि टी और के बीच में एक करेक्टर है जो कि हमें विजुअल नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है कि है बट वो है, क्योंकि लेंथ अभी इसका काउंट 12 दिखा रहा है। अदरवाइज अगर आप किसी सेल में लिखें कि सुजीत कुमार 1 तो यहां लेन आपको 11 दिखाएगा। ओके, जी तो ऐसे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लीन का फॉर्मूला। अब क्लीन फॉर्मूला इसे देखिए, अभी 11 आ गया लेन, इसने रिमूव कर दिया। तो एक चीज हैबिट में रखिएगा कि जब भी आप ट्रिम यूज करें तो आप वहां पे क्लीन भी यूज कर लीजिएगा, क्योंकि डेटा जब ओके कहीं से कॉपी पेस्ट होता है तो वहां पे रैप टेक्स होने की भी संभावना होती है। जी ठीक है राकेश जी। जी अब इसमें जो अगला ऑप्शन हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि अगर सपोज दैट कि मुझे सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस देना था, क्योंकि तो ये दो अलग फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, तो कैसे दे, मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस करने। तो पहले जानिए, समझ पहले जानिए कि कौन सा फॉर्मूला होता है, कैसे रिप करते हैं। तो एक अलग मैंने यहाँ पे आपके सामने एक टेक्स्ट लिखा है जिसमें हमने डॉट किया हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला ठीक से दिखे। अब मुझे इसके जितने भी डॉट्स है उसको डैश में कन्वर्ट करना है, मतलब किसी करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर से। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यानी कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, इसका जो ओल्ड टेक्स्ट है वो क्या है, डैश है। तो उस डैश को, सॉरी डॉट है, माफ कीजिएगा डॉट है, उस डॉट को हमने यहाँ पे डैश कर दिया और फिर इसको एंटर प्रेस करते हैं। तो आपके सामने देखिए 1 2 3 3 6 9 जो भी थे उसके बीच में डैश आ गया। आ ये गया रिप्लेस डैश, करेगा, ये रिप्लेस करेगा सर हाँ रिप्लेस किया ना सर, आपके जी सामने डॉट को डैश में रिप्लेस कर रहा है। अब इसमें एक होता है लास्ट में इंस्टेंस नंबर जिसको हमने ब्रैकेट में रख रखा है, हम इस पे जाएंगे तो ये होता है कि अगर मैंने 1 कर दिया, अब इससे पहले डॉट को रिप्लेस करेगा, राइट। अगर मैंने यहां पे 2 कर दिया तो इसने दूसरे डॉट को रिप्लेस करेगा। मतलब तो इंस्टेंस नंबर देते हैं तो क्या होता है कि जो नंबर्स देंगे उस पोजीशन के हिसाब से वो उस डॉट को या उस करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करेगा। फिर ये अगर आप, कंडीशनल कंडीशनल काम करने लगता है सर जी हाँ, अगर आप कोई कोई भी ना दे, इसको ब्लैंक छोड़ दे, क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब कि ऑप्शनल है, इसको छोड़ा जा सकता है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं इसका मतलब है कि आप सारे के सारे डॉट को डैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को? जी एक बार दोबारा दो दो लिख के देखिए सर। हाँ, यहां मैंने 2 लिख दिया तो दूसरे डॉट जो 9 और 9 के बीच में है उसको रिप्लेस करेगा डैश में। ओके, ठीक है एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है रिप्लेस फॉर्मूला।
रिप्लेस फॉर्मूला होता तो सब्स्टिट्यूट की तरह है बट वो उसकी फंक्शन उसकी तरह नहीं होती है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में रिप्लेस करना है। अब ये पूछता है कौन करेक्टर, ये बोलता है पोजिशन, कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर में से स्टार्ट करना है रिप्लेसिंग। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ चौथा नंबर है ना डॉट, चौथे नंबर से अब बोला कितना नंबर, तो मैंने बोला एक करेक्टर को क्या करना है, तो हमने बोला स्लैश करना है। ध्यान से देखिए, हम रिप्लेस को बोला कि F2 में जाओ, चौथे नंबर से एक करेक्टर को तुम स्लैश कर दो, तो इसने स्लैश कर दिया। अब रिप्लेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चौथा नंबर डॉट हो, डैश हो, या कोई नंबर्स हो, वो पोजीशन पकड़ रहा है सर, वो पोजीशन पकड़ रहा है। दूसरा कि मैं सिर्फ एक ही नहीं, मैंने मान लीजिए मैंने इस वन को टू कर दिया, तो डॉट और थ्री, डॉट और थ्री को रिप्लेस कर देगा, राइट जी। तो आप यहां पे एक करेक्टर करना चाहते हो या एक से ज्यादा करेक्टर करना चाहते हो, वो आप रिप्लेस कर सकते हैं विथ रिप्लेस फॉर्मूला, खतरनाक फॉर्मूला, राइट। तो सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस मतलब कि आपने सीख लिया किसी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को या पोजीशन को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस कैसे करें, राइट सर जी। अब बैक टू क्वेश्चंस, हम यही तो अटके थे ना कि यहां पे मुझे रैप टेक्स्ट को रिप्लेस करना है स्पेस। अब रैप टेक्स्ट हम टाइप कैसे करते हैं, हम टाइप करते हैं ऑल्ट एंटर से, राइट। कीबोर्ड में कोई और उसका जगह नहीं है। अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाया, क्योंकि रैप टेक्स्ट करेक्टर है, करेक्टर को रिप्लेस करना है, सो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट लगाया, मैंने ऊपर गया, अब यहां पे ओल्ड टेक्स्ट, अब रैप टेक्स्ट को कैसे टाइप करो, ऑल्ट एंटर प्रेस करके, No. तो गड़बड़ हुई ना सर। तो मतलब कि हम किसी सेल में रैप टेक्स्ट को शॉर्टकट की मदद से टाइप तो कर सकते हैं, बट फॉर्मूले में शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पे हमारी मदद करेगा इस कैट एंड कोड फॉर्मूला, मतलब कि हम एक सेल पे रैप टेक्स्ट डालेंगे, मैं यहां F2 प्रेस करके ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूं, तो इस सेल में ऑल्ट एंटर हो गया, रैप टेक्स्ट एंट्री हो गई। अब मैं कोड फॉर्मूले से पता करूंगा कि इस करेक्टर जो नॉन प्रिंटेबल या जो रैप टेक्स्ट है उसका कोड क्या है, क्योंकि जो भी करेक्टर है सबका एक कोड होता है जी। तो मुझे इसका कोड पता चला 10, मतलब कि अगर मैं कैर फॉर्मूले में अगर 10 डाल दूं तो सेम करेक्टर मुझे रिटर्न करेगा जो मैंने यहां पे टाइप किया था। और इसको चेक करने के लिए हम लॉजिक लगा के चेक कर लेते हैं, क्या A11 इक्वल टू है C11। अगर ट्रू आया इसका मतलब है कि ए अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अब मेरे पास कैट 10 नाम का फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को तो मैं सब्स्टिट्यूट में इंक्लूड कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं यहां पे आऊं और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊं और यहां इसको सिलेक्ट करूं और जहां पे मुझे ओल्ड टेक्स्ट देना है वहां पे मैं कैट 10 डालूं और फिर बोलूं रिप्लेस स्पेस। कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, राकेश जी एंड राजेश जी? थोड़ा और क्लियर होना चाहता हूं सर। समझिए, सिंपल सी बात को समझिए। सबसे पहले जानिए कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, कोड का और कैर का। कोड फॉर्मूला किसी भी टाइप की गई करेक्टर को उसका कोड बताता है कि स्काई वैल्यू लिस्ट में उसका कोड क्या है, राइट। और कैर फॉर्मूला उसी कोड को उस करेक्टर से रिटर्न करता है, क्लियर है जी। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हमारे पास है जो किसी भी करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करता है, रिप्लेस करता है, क्लियर है। अब प्रॉब्लम यहां पे आ रहा था कि अब मुझे जो मेरे पास जो टेक्स्ट है उसके अंदर रैप टेक्स्ट डाला हुआ है,
ये टी और के बीच में एक करेक्टर है जो कि रैप टेक्स्ट है, जिसको हम कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते, एक शॉर्टकट से आता है और इस शॉर्टकट हम इस फॉर्मूले में नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि एक सेल के ऊपर रैप टेक्स्ट को टाइप किया और टाइप करने के बाद हमने कैर फॉर्मूला लगा के उसकी कोड फॉर्मूला लगा के हमने जाना कि उस कैरेक्टर का कोड क्या है। ऑल्ट एंटर, और हमने कोड फॉर्मूला अगर 10, मतलब कि मुझे पता चल गया कि रैप टेक्स्ट का कोड 10 होता है, मतलब कि अगर मैं कैर के अंदर में 10 डालू तो सेम कैरेक्टर रिटर्न होगा। और एक कैर फॉर्मूला हम डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं किसके अंदर, सबचूट के अंदर। सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है कि कैर के फॉर्मूले के टेक्स्ट को दे रहा है किसको, सब्स्टिट्यूट को, सब्स्टिट्यूट उसको रिप्लेस कर देता है स्पेस, सिंपल। अब कैर में मत जाइए, रैप टेक्स्ट में मत जाइए, ये बताने के पीछे पर्पस ऐसा है कि जब आप किसी डेटाबेस से या किसी अनदर लोकेशन से डेटा को लेके आते हैं तो डेटा में कुछ ऐसे करेक्टर हो सकते हैं जिसको आप टाइप नहीं कर सकते, जैसे एक करेक्टर दिख गया सर का सर, ऐसे करेक्टर का हम कोड पता कर लेते हैं। आगे कोड 243 और फिर उसको कैर में डालते हैं और 63 और फिर उसको आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही रैप टेक्स्ट का करेक्टर कोड 10 फिक्स है? जी हाँ, वो फिक्स होता है कोड का। आप इंटरनेट पे गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ सर्च करें एस KII lab, सॉरी गलती लिखा मैंने, SkyLab, American Standard Character Indicated Number करके इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना? ये रहा SkyLab, Sky Table, ये रहा कि जीरो यहाँ पे ये आपका डेसिमल हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, दिख रहा है सर? ये नंबर है 64, 65, AI 65 के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे 65 के लिए ये आया था ना। कोडिंग में ये सब याद करना पड़ता है क्या? हाँ नहीं, कोडिंग में ये सब मतलब अगर मुझे लगता है कि ये हाँ कोडिंग में याद नहीं करना पड़ता है, या फॉर्मूला आपने याद कर लिया, 65 दे दिया तो ले लिए, तो सारे करेक्टर याद, तो जो कभी करेक्टर की जरूरत पड़ती है तो हम याद कर लेते हैं। यहाँ दिख रहा है ना 10 LF एनल लाइन फीड न्यू लाइन दिख रहा है आपको सर? बस ओके राइट सर। तो एक चीज इसलिए बताता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास दो डेटा है और दोनों डेटा के अंदर कुछ ऐसे करेक्टर है जिसको हटाना है मुझे, तो उस समय इस करेक्टर को हटाने के लिए हम बोलते हैं कि आप जो है इस तरह की मेथड को यूज करो। ये सब डेटा क्लियरेंसिंग का पार्ट है। आगे बढ़े सर जी। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले देख लेते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं पर कवर कर देता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम लिखा, मुझे इस नाम को अपर लेटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ अपर का फॉर्मूला लगाइए, अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लोअर का फॉर्मूला है, लोअर में लगाइए, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने डाला है सुजीत कुमार सिंह, अब मुझे इसको प्रॉपर करना है, तो प्रॉपर का फॉर्मूला है जो प्रॉपर में इसको कन्वर्ट करता है, मतलब कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, राइट? उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और आता है, जैसे कि अगर मैं यहां सुजीत लिखता हूं
और यहाँ पे सुजीत लिखता हूँ, दोनों सेम है। अगर आप इफ में जाएंगे, लॉजिक पे जाएंगे, तो दोनों को बराबर मानता है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो करेक्टर को केस सेंसिटिव नहीं समझते हैं, वो बड़े छोटे को सेम समझते हैं। लेकिन कभी कभी इसे पासवर्ड वगैरह टाइप का डेटा मैच करना हो जाता है, तो हमें केस को भी चेक करना होता है, तो वहां पे हमारे पास एग्जैक्ट का फॉर्मूला आता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला उन दोनों को मैच करके बताता है कि हाँ ये दोनों इक्वल है नहीं, दोनों को डाल दीजिए, अगर दोनों सेम केस के लेटर हुए हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मतलब कि अगर मैंने इसके एस को बड़ा कर दिया तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अगर किसी का भी एस छोटा या मान लीजिए इसका टी बड़ा कर दिया तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है एग्जैक्ट फॉर्मूला? जी सर। अब इसमें अब बात करते हैं ज्वाइन करने का फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे सुजीत हमने डाला, यहाँ पे कुमार डाला, मुझे इसको ज्वाइन करना, मतलब एक सेल में करना है, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। दो तीन फॉर्मूला है, जैसे कि कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा फेमस है, इसको लिए, पहले को सिलेक्ट किए और स्पेस में इन्वर्टर कॉमा में स्पेस दिए और दूसरे को सिलेक्ट किए, तो स्पेस क्या हो गया, सेपरेटर हो गया। अब इस इन्वर्टेड कॉमा अगर सेपरेटर की जरूरत है देन आपको देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना है, नहीं देना। अगर आपको स्पेस के जगह पर कोई और सेपरेटर चाहिए तो इन द इन्वर्टेड कॉमा अपने हिसाब से जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर आप लिख सकते, डाल सकते हैं। इसको हम एक एक जो है इससे भी कर सकते हैं, कॉन्कैटेनेशन फॉर्मूला हम कर सकते हैं इससे N% से। तो फॉर्मूले के जगह पे आप सैंबल भी देके इसका इस्तेमाल करेंगे तो यूज हो जाता है, क्योंकि कॉनकेटेनेट फॉर्मूला सिर्फ एक्सेल में परफॉर्म करता है, बट ये N% आपका एक्सेल और VBA प्रोग्रामिंग दोनों में यूज किया जाता है, राइट? जी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब मुझे दो डेट को या दो अलग अलग नंबर फॉर्मेट को करना हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक तारीख लिखा, अब मुझे दोनों को इस कुछ इस तरह से लिखना है कि फ्रॉम 1st जनवरी टू 9th जनवरी ऐसे कुछ लिखना है, तो कॉन्केट लगाइए या N% का सिंबल लगा दीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ सॉरी पहले इन्वर्टर कॉमा में लिखता हूँ फ्रॉम स्पेस दिया N% और फिर हमने फर्स्ट डेट को सिलेक्ट किया देन N% और यहाँ पे स्पेस टू एंड अगेन स्पेस दिया N% किया और हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देखिए कि फ्रॉम 44197 टू 44529 क्या हो गया। अब याद होगा मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास में आपको बताई थी कि जो फर्स्ट जैन है या जो आपका 29 जैन है दिखता है ऐसा, बट ओरिजिनली आपका नंबर ही है, और कोई भी फॉर्मूला नंबर पे वर्क करता है, ना कि उसकी विजुअल पे, सॉरी उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे वर्क करता है ना कि उसकी विजुअल वैल्यू पे, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो क्या करें, तो आपको मैं बताया था कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो हम कोड लिखते हैं और जो हमें रिटर्न करता है, उसी कोड को अगर हम टेक्स्ट फॉर्मूले में लिखें तो हमारा सेम रिटर्न होगा। मतलब कि यहाँ जहां हमने A25 दिया हुआ है, इस A25 को हमें टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर लिखना होगा, और इसमें DD/MM/YY जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट चूज कर लीजिए, वेंडर पेस्ट कीजिए, तो देखिए जैन आपके फॉर्मेट में आया, जो आपने कस्टम फॉर्मेटिंग में जो फॉर्मेट लगाया था उस फॉर्मेटिंग में आया, ठीक है जी। और सेम हम जो B25 है इसको भी हम टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, और इसको भी DD MMM and YY दिया, एंटर प्रेस कर दिया, आ गया
क्लियर सर? जी सर। लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने इसको हटा देता एक मिनट, इसके जगह पर मैं इसी को सेलेक्ट कर लिया तब क्या होगा? फिर भी नंबर आएगा नहीं, आपको कस्टमर मीटिंग नहीं देना होगा। तो मेरे हिसाब से आज काफी ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए आपके, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सबको प्रैक्टिस कर लें वीडियो देख के, देन हम आगे की चीजें पढ़ेंगे।